हाँ तो ये डिस्कस कर सकते हैं, 2,50,000 से ऊपर की रेटिंग जो है अब चलिए आगे। क्या। हाँ तो आकर्षण वहां पर ठीक, बाकी बाकी सारे अवेलेबल से बात हुआ इंश्योरेंस के लिए क्या क्या डिस्कशन हुआ। क्या हो पाया बात हरिराम जी। गुड मॉर्निंग सर। हमारा काम तो एक्चुअली लोन को मिलने। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी हरिराम जी बताइए। सर नमस्ते सर। नमस्ते मिस्टर जेम्स, क्या हाल है आपके। अच्छा मैं ठीक आपका मिस्टर जेम्स आपका बीओसी 1,10,000 का बीओसी आपका बन चुका है और मुझे लगता है कि आपका फोटो शायद आपको उस वाले पर एक बड़ा डाला तो अभी हमारे ऑफर के पाया है जी बिहार तो आप पॉलिसी लेना चाहिए कहाँ से ढूंढा एक और क्या थोड़ा पा रहे हैं तो मैं क्या मैं पीछे होता हुआ तरीके से आवाज माइक और आप है जो बोल रहे हैं उनका माइक ऑन रहे बाकी सभी का ऑफ रहे तो थोड़ा सा ध्यान रखें। आप अपना माइक चेक कर लें आपका माइक ऑन तो नहीं रह गया गलती से क्योंकि ये जूम बहुत ही सेंसिटिव है सभी की आवाज उठा लेता है। तो एक तो विजेता ट्रॉफी आपके पास अवेलेबल है विजेता ट्रॉफी के अंदर इसके अंदर रीजनल मैनेजर आपके आ रहे हैं आपको या तो कैंसर कवर पॉलिसी करना है या तो आपको इसके अंदर जीवन आरोग्य पॉलिसी करना है हमारे काजिम का 3 फरवरी को जूम पर ट्रेनिंग शुरू हो रहा है जूम पर 750 रुपये बहुत ही पावरफुल ट्रेनर है काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। आप काजिम वाला प्रोग्राम अटेंड करें। मार्केटिंग मैनेजर आपकी ब्रांच में आ रहे हैं 6 तारीख को तो 6 तारीख को मार्केटिंग मैनेजर आपकी ब्रांच में अवेलेबल रहेंगे। आप इसके लिए स्पेशल आपको प्राइस भी अवेलेबल है आप जितनी भी पॉलिसी आप कर रहे हैं आप एक पॉलिसी करते हैं तो उसके ऊपर भी प्राइस अवेलेबल है 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। ये 1 से लेकर 6 तक स्पेशल ये वाला एक कॉम्पिटिशन मैंने आपको डिटेल में दिया ये वाला है तो आप इसके अंदर क्वालिफाई कर रहे हैं। 3 पर आपके लिए एक तो 3 पर सर्टिफिकेट है जो मार्केटिंग मैनेजर है उनको 3 पर सर्टिफिकेट है 3 पॉलिसी आप करते हैं तो 3 पर एक स्पेशल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो एक ये 3 पर ये एक तो ये करें एक आपको थर्मल हीटिंग पैड है थर्मल हीटिंग पैड एक बढ़िया हीटिंग पैड है आपने उस
का मौसम है, ये काफी काम आने वाली चीज है। आप इसको तीन तीन पॉलिसी पर अवेलेबल है, तीन तीन पॉलिसी पर आप इसको क्वालिफाई करें। आप एक ही आदमी का तीन पॉलिसी करेंगे तब भी वो चलेगा आपका, तो इसमें मिनिमम प्रीमियम का कंडीशन नहीं है, आप इसको जरूर क्वालिफाई करें। इलेक्ट्रो थर्मल जेल वार्मर है तीन पॉलिसी पर, हर तीन पॉलिसी पर, यानी कि छह पॉलिसी पर दो हो जाएगा आपका, आप नौ पॉलिसी करेंगे तो तीन हो जाएगा, आप बारह पॉलिसी करेंगे तो चार हो जाएगा, इस तरीके से चलेगा। इसे 9 फरवरी अवेलेबल है, लेकिन आप ये जो मार्केटिंग मैनेजर का विजिट है शनिवार को जो आपकी ब्रांच में विजिट है, तो इसके अंदर आप क्वालिफाई करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरी परसों हमारी टीम में मदन राय जी हैं, तो मैंने उनको फोन पे बात किया, फोन पर बात उनको किया तो वो कहते हैं कि हमारे किसी कस्टमर ने बोला जी एलआईसी बिक रही है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, एलआईसी बिक रही है, इससे भी बढ़िया अच्छी बात है। तो क्या आपको भी इस तरह की कोई बात सुनने को मिली है कि एलआईसी बिक रही है, ऐसा किसी ने आपको बोला, या तो ऐसा आपका ख्याल है, ऐसा क्या आपको लगता है एलआईसी बिक रही है, या तो आपका ऐसा कोई ख्याल है, या तो आपका ऐसा कोई सोच है, आपको लगता है एलआईसी बिक रही है? नहीं सर, कई लोग बोलते हैं नरेंद्र मोदी एलआईसी बेच रहा। हाँ सर, हेलो। लोग बोलते हैं सर, एलआईसी बेच रहा है। हेलो, चलो अच्छी बात है, बढ़िया। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, ठीक ठाक आ रही है, नो प्रॉब्लम। तो क्या है ये, तो खैर जैसे एलआईसी का जो वैल्यूएशन इस समय आ रहा है, लगभग 11 लाख करोड़ का वैल्यूएशन आ रहा है। 11 लाख करोड़ का वैल्यूएशन का मतलब होता है, गवर्नमेंट ने बोला लगभग हम 10% निकालेंगे, 10% का मतलब है 1,10,000 करोड़ का जो शेयर जो मार्केट में आने की संभावना है। ये शेयर किसी एक आदमी के लिए नहीं आए, किसी एक आदमी वाले शेयर नहीं आ रहे, किसी एक आदमी के लिए वाले शेयर नहीं आ रहे, ये वाले जो शेयर है सभी के लिए आ रहे हैं। आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद सकता हूँ, आपके जो कस्टमर्स है वो भी खरीद सकते हैं, हर कोई के पास मौका है। एलआईसी के शेयर्स अवेलेबल, खरीदा जा सकता है। उसको उठा के हम बाहर कबाड़ी को कह रहे हैं कि भैया ले जा। तो एलआईसी बिक नहीं रही है, एलआईसी के शेयर्स मार्केट में आ रहे हैं और ढेर सारी कंपनियों के शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और उनके शेयर के अंदर रोजाना ट्रेडिंग होती है। शेयर मार्केट बढ़ने के बाद बहुत जबरदस्त तरीके से मार्केट के अंदर उछाल आया था। ये वाला जो बजट है, ये वाला पीपल फ्रेंडली बजट है। इसके अंदर शेयर मार्केट यदि उठ रही है, इसका मतलब लोगों ने इस वाले बजट को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया है। लोगों को बहुत अच्छा लगा है कि हाँ, ये जो बजट आया है इसके अंदर क्या क्या हुआ है, लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है। तो आपको फिर भी एक आध व्यक्ति से इस तरीके का ऑब्जेक्शन आ सकता है, एलआईसी उठ रही थी, तो आप उसका जवाब देने के तैयार होने चाहिए। फर्स्ट ईयर ड्यू का पीडीएफ मैंने आपको भेजा, फर्स्ट ईयर ड्यू का पीडीएफ क्या आपको मिला था, नहीं मिला था, आप में से किसको किसको मिला था, आप या तो हाथ उठा के बता सकते हैं कि आपको मिला था, या तो आप अपना माइक ऑन करके बोल के बता सकते हैं। फर्स्ट ईयर ड्यू का मतलब वो वाली पॉलिसियां जिनके ऊपर आपको हाईएस्ट कमीशन मिलने वाला है, 25% 35% कमीशन मिलने वाला है, वो सारी पॉलिसियां। एक नई पॉलिसी बिल्कुल एक न्यूबॉर्न बच्चे की तरह होती है। न्यूबॉर्न बच्चे का मतलब है शुरू में उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। नवीन जैन जी ने लिखा है कि उनको मिल चुका है, तो न्यूबॉर्न पॉलिसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। नया पॉलिसी और नया बच्चा दोनों लगभग एक जैसा होता है, तो स्टार्टिंग में उनका इतना ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि यदि हमने ध्यान नहीं रखा ना, तो वो पॉलिसी मर जाएगी। ओके, अशोक कुमार ठाकुर जी को भी मिल चुका है, बढ़िया।
पॉलिसी के अंदर कस्टमर को शुरू में आदत डालना होता है, चाहे वो मंथली होता है, चाहे बैंक से ऑटोमेटिकली उसका पैसा कटने वाला है, चाहे तो उसका क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली जो भी है, इवन क्वार्टरली हाफ ईयरली और ईयरली को भी हम नेट के थ्रू बैंक से ऑटोमेटिक ट्रांसफर के थ्रू कर सकते हैं। शुरू में आप बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि शुरू में यदि हमने कस्टमर को आदत नहीं डाला कि ये जमा करना है तो लोग भूल जाते हैं। हमें पता है हमारी पॉलिसी है, हमारा इसका रेगुलर काम है, हम काम को लगातार सुबह से लेकर शाम तक करते हैं या तो फ्लेक्सिबल टाइम में या तो पार्ट टाइम में करते हैं। हमें पता है हमारे पास पीएम ड्यू लिस्ट आता है, कस्टमर के पास शायद हो सकता है एलआईसी का एसएमएस जाए या ना जाए, सुबह से शाम तक ढेर सारे एसएमएस आते हैं, ढेर सारे नोटिफिकेशन आते हैं, दुनिया भर के मैसेजेस आते हैं, लोगों को ध्यान नहीं रहता है। तो लोगों को शुरू में आदत डालनी पड़ती है, इवन मंथली पॉलिसी है, हाफ ईयरली पॉलिसी है, क्वार्टरली पॉलिसी है, जो भी है, लोगों को शुरू में आदत डालनी पड़ती है। तो ये जो पीडीएफ का जो मैंने लिस्ट है, मैंने अपडेट करके भेजा था, लेकिन फिर भी उस लिस्ट के अंदर शायद ऐसा हो सकता है कि ऐसा आपको लगे किसी प्रीमियम के बारे में आपको डाउट हो सकता है। तो आप इसे कौन कौन बताएंगे आपको, और किस किस साथी को मिल गया कि नहीं मिला, और मिलने के बाद आपने उसका क्या किया, जो आपको पीडीएफ फर्स्ट ईयर ड्यू का जो पीडीएफ का जो लिस्ट मैंने भेजा था उसके बाद आपने उसका क्या किया? क्योंकि ये वाला जो लिस्ट है, इन लोगों का प्रीमियम ड्यू है, लोगों को शुरू में याद कराया जाए, पैसा मिल सकता है, बाद में क्या होता है, एक इंस्टॉलमेंट जमा कराना है, दो थोड़ा मुश्किल है, तीन और ज्यादा मुश्किल है, चार बहुत ज्यादा मुश्किल है, पांच तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जितना ज्यादा इंस्टॉलमेंट ड्यू होता चला जाता है, स्टार्टिंग में आदमी कहता है दिक्कत है, पैसे का दिक्कत है, कल आना परसों आना समस्या है, परेशानी है, प्रॉब्लम जो भी है, हमें उसका परेशानी करके देना है। मेरे को याद आ रहा है एक कस्टमर ने बोला था कि मेरी तो नौकरी चली गई तो मैं तो प्रीमियम नहीं भर सकता। हमने क्या किया भाई साहब, आप बताओ क्या काम करते? कि मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। चिंता मत करो दी, आप अभी आपको क्या काम चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड का, आप सिक्योरिटी गार्ड ला के देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं उसको स्पेशल अपना हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड एलएसयू वाला है उसके पास लेके गया। मैंने कहा भाई तेरा जो ठेकेदार है इसकी बात करा दे, इसको नौकरी दिलवा दे जिससे ये अपना आगे का प्रीमियम भर सके। खैर मैं उसको सामने वाले सरस्वती वाले वो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके पास लेके गया। मैंने कहा भाई अपने ठेकेदार से बात करा दे, इसको नौकरी दिला दे, इसको नौकरी मिलेगी तो ये एलआईसी की पॉलिसी का प्रीमियम भर पाएगा। तो हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द वे भी जाना पड़ेगा प्रीमियम भरवाने के लिए, थोड़ा सा हमको ये ध्यान भी रखना पड़ेगा। और किसी का कोई प्रीमियम में जमा कराने में प्रॉब्लम आ रही, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही आपके फर्स्ट ईयर ड्यू के प्रीमियम जमा कराने में किसी भी कस्टमर को? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? अरे सारे के सारे कस्टमर आसानी से प्रीमियम भर देते हैं, बात है बढ़िया है, इतने शानदार कस्टमर भगवान करे सबको मिले जो आसानी से प्रीमियम भर देते हैं, अच्छी बात है। ट्रॉफियां क्वालिफाई कर रही थी कई सारे साथियों ने, और 30 जनवरी को मैंने 5 ट्रॉफी ले भी ली थी। मेरे पास एक ट्रॉफी शर्मा जी लेके गए थे, वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, 4 ट्रॉफियां मेरे पास अभी भी रखी हैं। आप में से कुछ साथियों भी हैं अभी मीटिंग में यहाँ पर, जैसे कपिल खुराना जी अवेलेबल है, कपिल जी की ट्रॉफी, कपिल जी को बहुत बहुत बधाई, ट्रॉफी आपने क्वालिफाई करी है, आप जब भी दफ्तर आए ट्रॉफी जरूर लेके जाइएगा। अभी मीटिंग में त्यागी जी अवेलेबल हैं, अरे त्यागी जी आपका तो मुझे कल ध्यान नहीं रहा, सॉरी, कल आप ऑफिस आए थे, मुझे ट्रॉफी देना, आपको ध्यान नहीं रहा, आपको भी ध्यान नहीं रहा, मुझे भी ध्यान देगा, ओके। अच्छा जैन साहब की भी ट्रॉफी है, जैन साहब का मुझे ध्यान नहीं रहा, खैर मेरी गलती, मेरे को ध्यान रखना चाहिए था। तो ये दो ट्रॉफियाँ जो हैं मतलब मेरे पास डिक्की में अभी भी रखी हुई हैं, 4 ट्रॉफियाँ मेरे को डिक्की में रखी हैं, 5 भी आनी बाकी हैं। तो कम से कम थोड़ा ध्यान कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी मेरे को भी ध्यान से कुछ ना कुछ बात निकल सकती है, तो प्लीज़ आप ध्यान कर लीजिए कि वो आप लें उसको, आप अपनी जो ट्रॉफी है वो टाइम से ले सकें। टर्म इंश्योरेंस कन्वेंशनल से बेहतर क्यों है? सो ये सवाल आपके मन में कभी ना कभी आया या नहीं आया? टर्म इंश्योरेंस और कन्वेंशनल के बारे में कोई सवाल आपके मन में कभी ना कभी पैदा हुआ, या तो कस्टमर ने आपको कोई इस तरह की बात बोली या नहीं बोली? आपको आज तक ऐसा कोई समस्या नहीं आई कि टर्म इंश्योरेंस बेटर है या कन्वेंशनल बेटर है, कौन सा क्वालिटी बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं? क्या जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? क्या बात है, टर्म इंश्योरेंस कन्वेंशनल इंश्योरेंस का? त्यागी जी आपका कैमरा कुछ जरूरत से ज्यादा दिखा रहा है, आप अपने आप को थोड़ा सा कैमरे में देखेंगे ना तो आपका कैमरा कुछ जरूरत से ज्यादा दिखा रहा है आपके बारे में,
थोड़ा सा ध्यान करें जरा। टर्म इंश्योरेंस और कन्वेंशनल इंश्योरेंस, अरे भाई क्या हुआ टर्म के बारे में, मेरे को आप पर्सनली वन टू वन तो बहुत सारी बातें करते हो कि मेरे को क्लाइंट ने बोला है टर्म इंश्योरेंस लूंगा, या तो टर्म वाले को कन्वेंशनल में कन्वर्ट कैसे करें, त्यागी जी आपको नहीं आ रही, आपको वो अपना वो माइक उसको ऑन करेगा। हाँ आप ठीक है आपका हो गया, नहीं दोबारा से आप माइक बंद कर दीजिए, नहीं त्यागी जी आपका माइक बंद है, आपका माइक बंद है, आप माइक थोड़ा सा ऑन करेंगे तो पता लगेगा आपके बारे में, नहीं माइक बंद है त्यागी जी आपका माइक बंद है। हाँ बताइए अब भी क्या आवाज आ रही है, माइक ऑन है आपका, बोलिए। हाँ मैं तो चेंज कर देता हूँ उसको, तो असल क्या है कम एज वाला 20-25 साल वाला बंदा है तब तो ठीक है टर्म इंश्योरेंस, लेकिन 50 साल का बंदा या 45 साल का कहे तो मैं इससे अच्छा तो अगर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस डाल रहे हो तो 25 लाख का वैसे डाल लो, वो फायदेमंद है, मरेगा तो भी मिलेगा ना मरने का तो भी मिलेगा, मैं साफ तौर पर बोल देता हूँ उससे। एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा रोल प्ले कर लेते हैं, आप में से कोई एक आदमी कस्टमर बन जाओ तो मैं आपको पॉलिसी समझाता हूँ कि टर्म इंश्योरेंस कनेक्शन से क्यों चले कोई कस्टमर बनने को तैयार है, कोई भी एक कोई भी साथी कस्टमर बनने को तैयार है, अरे भाई मैं आपको पॉलिसी बेच रहा हूं, आपको क्या बोलना है कि मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना है, मुझे कन्वेंशनल पॉलिसी लेना है, मुझे टर्म इंश्योरेंस, तो आप में से कौन कस्टमर बनने को तैयार है? दूसरा कस्टमर बनेगा सर। अरे तो आप भी बन सकते हो त्यागी जी, ऐसी क्या बात है, कोई भी बन सकते हैं भाई, मैं आपको पॉलिसी बेचने को तैयार हूँ, आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में बोलना है, हाँ जी मुझे टर्म इंश्योरेंस पसंद है, मैं टर्म इंश्योरेंस लेने को तैयार हूँ, आप में से कौन कस्टमर बनने को तैयार है? कोई तैयार नहीं है, मतलब टॉपिक में बंद करूं, आपको नहीं पसंद है मैं बंद कर देता हूँ भाई, रोल प्ले बिल्कुल चलने वाली चीज है ये, सुबह की मीटिंग हमने बिल्कुल से। हाँ जी बहुत मिलते हैं सर, बहुत मिलते हैं, पॉलिसी क्या बोलना है, टर्म इंश्योरेंस लूंगा मैं, मैं कस्टमर हूँ, मैं टर्म इंश्योरेंस लूंगा, मैं और कोई प्लान नहीं लूंगा, अभी छोड़ दिया प्लान, ठीक है टर्म इंश्योरेंस कस्टमर बनने के लिए। जी जी हाँ, तो आप बताओ ना कि आप कस्टमर बनने के लिए तैयार हो, तो आप बताओ 50 करोड़ का मतलब 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेना, उसके बारे में बताओ। वेरी गुड त्यागी जी, आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हैं, आप टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए तैयार हो गए, बहुत बहुत बधाई, आपने ये वाला डिसीजन लिया है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा सोच समझ के लिया होगा टर्म इंश्योरेंस के बारे में, आपने ये डिसीजन लिया, बहुत बहुत बधाई आपको टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए तैयार हो गए। त्यागी जी क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप खुद के मकान में रहते हैं या किराए के मकान में रहते हैं? किराए के। बढ़िया त्यागी जी, आप खुद के मकान में क्यों नहीं रहते? मकान हुआ नहीं सर अभी तक। ओके बढ़िया, यदि आपको मौका मिले तो क्या आप खुद के मकान में रहना चाहेंगे? यस। बढ़िया, लेकिन खुद के मकान में क्यों रहना चाहेंगे? मकान के अंदर समझो आप मान लीजिए 50 लाख के मकान में रह रहे हैं, 50 लाख के महीने मकान का किराया पड़ता है मुश्किल से 11,000 रुपए, आप 50 लाख रुपए लगाओगे, आपको भी देना है, आपको रिपेयर भी करानी है, आपको मेंटेनेंस भी करना है, दुनिया भर के खर्चे आपको पेमेंट करने हैं, तो फिर भी आप खुद के मकान में क्यों रहना चाहते हो? किराए का मकान तो बढ़िया है,
तो आप खुद के मकान में क्यों रहना चाहते हो? सर हर कोई बंदा चाहता कि छत अपनी हो। ओके और कोई वजह? फिर उसमें किराया देने की भी चिंता नहीं रहती सर, एक बार थोड़ा और कोई वजह? क्या किसी और कोई वजह बताना चाहेंगे? एक तो छत अपनी होगी बहुत बढ़िया, सामाजिक वैल्यू होगी बहुत बढ़िया, किराए की चिंता नहीं करनी चाहते, और कोई वजह? और कोई आपको लगता है कि मकान पर है? क्यों है किराए के मकान में रहना खराब? और क्या क्या फायदा? और कोई वजह आप बताना चाहेंगे? आपको बताया होती है किराए की चिंता नहीं होती है, कोई अपना से नहीं सकता, और कोई आप जोड़ना चाहेंगे? इसके अलावा कोई आपको कोई भी आती इसके अंदर और कोई वजह जोड़ना चाहेंगे? मेन तो यही है सर, इसमें मतलब कोई टेंशन नहीं रहती। फिर यह अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में वैसे भी आदमी सिक्योर रहता है कि हाँ भाई मेरे पास अपना तो है, कुछ कभी भी आ सकता, कभी भी जा सकता, कैसे भी जा सकता। ओके और आपने से कोई भी साथी ऐड करिए ना अपने मकान में रहने के फायदे क्या क्या चीजें हैं? सर बार बार शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर उसके ओके। और कोई वजह? सबसे बड़ा ये है कि अपने मकान का सुकून ही कुछ और होता है। ओके और कोई वजह? और कोई वजह बताना चाहेंगे? अपने खुद के मकान का क्यों रहना चाहिए, किराए के मकान में क्यों नहीं रहना? सर मेन कारण तो ये है कि आदमी से 1,00,000 रुपए पर एक चाहे कोई बंदा 1,00,000 रुपए पर मंथ का किराया दे रहा हो, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी वो वैल्यू नहीं आकी जाती जिसकी जो उस बंदे की आकी जाती है जिसका अपना खुद का मकान हो। ठीक है बढ़िया। तो ये सारे के सारे रीजन आपने बताए, तो मैं भी त्यागी जी और सुदामा शर्मा जी और दीपक सिन्हा जी और बाकी सब साथियों को बजे बताई मकान बेहतर सबको ही मन बताना चाहता हूँ कि सेम डिफरेंस है टर्म इंश्योरेंस में और कन्वेंशनल प्लान में। जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो आपका अपना नहीं होता है, जो टर्म इंश्योरेंस होता है उसकी सामाजिक वैल्यू नहीं होती है। तो टर्म इंश्योरेंस होता है उसमें हमेशा आपको चिंता रहती है कि यदि मेरे को ग्रेस पीरियड टाइम में प्रीमियम नहीं भरा तो पॉलिसी पूरी की पूरी लैप्स हो जाएगी। टर्म इंश्योरेंस होता है उसके अंदर आपको चिंता रहती है कि यदि पॉलिसी लैप्स हो गई तो रिवाइवल का समय बहुत भयंकर मुसीबतें आने वाली है। जो टर्म इंश्योरेंस होता है नहीं होता है क्योंकि आपको पता है मेच्योरिटी पे कुछ नहीं मिलेगा। जो टर्म इंश्योरेंस होता है उसमें टेंशन होती है क्योंकि आपको पता है मेरा इंश्योरेंस कवर है लेकिन मेरे को मेच्योरिटी वैल्यू जीरो है, मेरे को कहीं कोरोना आ गया तो मैं इसमें लोन नहीं ले सकता। जो टर्म इंश्योरेंस है वो सिक्योर उसका कम होता है, उसकी सिक्योरिटी बहुत कम होती है। जो कन्वेंशनल प्लान होता है उसकी सिक्योरिटी ज्यादा होती है। और इसके अलावा जो जो टर्म इंश्योरेंस होता है उसमें सुकून नहीं होता है, जो कन्वेंशनल वाला प्लान होता है उसमें सुकून होता है। आपको पता है
बोनस भी मिलेगा, समझौता भी मिलेगा, जो भी हर बोनस मिलेगा। के अलावा सबसे ज्यादा बड़ा जो फर्क मेरे को आपने से किसी ने नहीं बताया, जो कि जिसको मैं उम्मीद कर रहा था, वो ये है कि पानी में जो पैसा है, किराया है, उसके बदले में कुछ नहीं आता है। आप जिंदगी भर किराया देते रहो, उसके बाद भी आपकी पैसे की वैल्यू होती है जीरो। उसके बदले में आप सेम अमाउंट की ईएमआई भरते हो ना, तो आपका जो जो एप्रिसिएशन होता है प्रॉपर्टी का, आपकी होता है, उसका वैल्यू बढ़ता चला जाता है। सबसे बड़ा रीजन है। और इसी रीजन की वजह से इंश्योरेंस के मुकाबले कन्वेंशनल प्लान बेटर है। आप सेम पैसा लगा के चलो, आपने 20,000 रुपए कन्वेंशनल में भरा, 20,000 रुपए आपने टर्म इंश्योरेंस में भरा, दोनों में आपने 20,000 रुपए भरे। जो 20,000 रुपए आप टर्म इंश्योरेंस में भर रहे हो ना, वो आप भरते 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 आप कहां तक पहुंचोगे? आप 20 साल 25 साल जितने मर्जी साल का ले लो, आप वो प्रीमियम भरने के बाद ना बदले में उसमें कुछ नहीं मिलता है, बदले में कुछ नहीं मिलता है। आप सेम 20,000 कन्वेंशनल में भरो, आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, और मेच्योरिटी पर आपको समय छोड़ भी मिलता है, बोनस भी मिलता है, और साथ ही साथ आपको फाइनल बोनस भी मिलता है। इस वजह से कन्वेंशनल प्लान टर्म इंश्योरेंस से बेटर है, क्योंकि खुद का मकान किराए के मकान से बेटर है। इसी वजह से टर्म इंश्योरेंस के मुकाबले कन्वेंशनल प्लान बेटर है। आप में से कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं? कोई भी? तो आप कह रहे हैं सर कन्वेंशनल प्लान इज ऑलवेज बेटर देन टर्म। कन्वेंशनल इज ऑलवेज बेटर, कन्वेंशनल प्लान टर्म के मुकाबले बेटर है ही, क्योंकि खुद का मकान है वो। जितने भी खुद का मकान है ना भाई, टर्म इंश्योरेंस के अंदर और कन्वेंशनल वाले जो प्लान है, कन्वेंशनल के अंदर आपको मैच्योरिटी मिलेगा, टर्म में नहीं मिलेगा। कन्वेंशनल में आपको बोनस मिलेगा, टर्म में नहीं मिलेगा। कन्वेंशनल के अंदर आपको फाइनल बोनस मिलेगा, टर्म में नहीं मिलेगा। कन्वेंशनल प्लान में आप लोन ले सकते हो, जब भी आपको चाहिए, जितनी मर्जी बार चाहिए आप लोन ले सकते हो, टर्म इंश्योरेंस में लोन नहीं होता है। कन्वेंशनल प्लान में आपको सरेंडर वैल्यू है, कभी आपको